नमस्ते। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसा कमोडिटी प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इंडिया की बात करें या वर्ल्ड मार्केट की बात करें, हर जगह आपका कमोडिटी प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। जो आप मेटल का प्राइस देखेंगे तो करीब प्री कोविड लेवल से ये 40% ऊपर तक जा चुका है। एग्रीकल्चर करीब 20-25% ऊपर आपको दिखाई देगा और क्रूड ऑयल प्री कोविड लेवल तक ये पहुंच गया है। तो इसके पीछे का कुछ रीजन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा रीजन है कि आपका जो कमोडिटी प्राइस है, स्टील, कॉपर, आपका फूड, तो इसका प्राइस इतना ऊपर जाने का पीछे का कारण। तो एक एक करके हम लोग इसका रीजन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला रीजन है वो है जो एनिमल क्रॉप था वो बहुत सारा इस 2020 एंड 21 में वेस्ट हो चुका है। जैसे आप ब्राजील की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारा एनिमल आपका क्रॉप प्रोडक्ट वेस्ट हो चुका था। इसी वजह से प्राइस हाइक हो गया था। इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया था, सप्लाईज बहुत कम था। तो इसकी वजह से आपका जो एनिमल क्रॉप्स है, इसीलिए आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा प्राइस आपको हाई होते हुए दिखाई देगा। कॉपर का प्राइस का बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की वजह से इसमें थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक बैटरी का डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसमें भी थोड़ा सा प्राइस हाइक आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ स्टील में भी आपका सेम बात है। तो रीज़न की बात करें तो आपका जो कोविड का रीओपन है वो बहुत फास्ट हो गया है, तो इसीलिए मार्केट के अंदर एक डिमांड का सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में रीओपन जल्दी होने के कारण और आपका जो वैक्सीनेशन जल्दी होने के कारण ये फिर से एक्चुअली एक डिमांड का आपका सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा कंट्री में मनी प्रिंटिंग होने की वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाता है, और जब जब लिक्विडिटी ज़्यादा होता है तो आपका पॉपुलेशन के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है आपका इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं एज वेल एज मार्केट में स्पेंड भी करते हैं, और दोनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली से आपका मार्केट की फ्लो में ये बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है। एक बात आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सप्लाई पहले जैसा नहीं रहा। आपका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उसमें अभी भी डाउनग्रेड है, लेकिन जो मार्केट में डिमांड है वो प्री कोविड लेवल से भी आगे निकल गया। तो इसीलिए एक प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है आपका जो कमोडिटी प्राइस हाइक होने के पीछे। और एक जो रीज़न है, यूएसए के अंदर जो स्टिमुलस पैकेज है वो ऑलरेडी अमेरिका ने 900 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दे चुका है, और ये भी बता रहा है कि गवर्नमेंट की आगे जाके 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर वो इन्वेस्ट करने वाला है यूएसए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इससे क्या होगा, इतना बड़ा एक अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेगा फ्यूचर में, तो कमोडिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मार्केट का डिमांड आप देख सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होने वाला है। तो इसी वजह से प्राइस हाइक होने का एक कारण आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ चाइना का जो डिमांड है वो लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो चाइना में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्टील, कॉपर, ये सब का डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा बूम हो चुका है। तो इसकी वजह से भी आपका कमोडिटी का प्राइस हाई होते हुए आपको दिखाई देगा। और मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर आप देखें तो बहुत सारा पब्लिक, बहुत सारा इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर लगातार कमोडिटी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग मान रहे हैं कि ये कमोडिटी का एक रिसाइकल है। तो इसी वजह से ये लोग लगातार एक इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं कमोडिटी के अंदर। आपने हाल ही में देखा होगा कि इंडिया में जितना आपका स्टील का कंपनीज है, स्टील का शेयर है, जैसे SW स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, इसका शेयर का प्राइस बहुत हाइक हो चुका है। इसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीज़न है चाइना का एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। कैसे, क्योंकि चाइना में स्टील का डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से लगातार इम्प्रूव होते जा रहा है उसकी वजह से डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। यूएसए में आपका जो पहले आपको बताया 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसमें भी बहुत सारा डिमांड होने वाला है। लेकिन चाइना में एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम की वजह से चाइना गवर्नमेंट क्या किया है, वो सप्लाई अभी ज़्यादा कर नहीं रहे, मैन्युफैक्चर वो लोग ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, लेकिन डिमांड तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो इंडिया एक ऐसा हब हो सकता है जहाँ पे ये डिमांड फुलफिल करने का चांसेस नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये सब जितना भी स्टील का कंपनी है, कॉपर कंपनी है, ये आपका शेयर का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। और कमोडिटी सेक्टर आप बहुत लंबे समय से देखेंगे प्राइस हाइक किया नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस ये लोग हाइक करना चालू कर दिए हैं।
तो मार्केट में इसका असर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। और इंडिया इन्फ्लेशन भी ये प्राइस हाइक होने के पीछे की एक वजह हो सकता है। तो जितना कारण मैं आपको लोगों को बताया, ये सब कारण मिला के कॉमोडिटी का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडियन मार्केट में नहीं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में ये कंडीशन अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी कॉमोडिटी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचिए कि कैसे ये इफेक्ट आगे जाके होने वाला है और कैसे ये फ्यूचर में भी ये इफेक्ट बना रहेगा, तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।